हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे द किंग ऑफ महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे थग लाइव। तो यार ये बंदा बहुत ज्यादा कमाल है, इसके चर्चे पाकिस्तान में भी है, काफी लोग इसको यहाँ पर जानते हैं इनकी दहशत की वजह से। तो अब इनके देखते हैं कि थग लाइव इनकी कैसी है। मतलब ये वैसे महाराष्ट्र के किंग, इसमें कोई शक नहीं भाई, ये किंग है एक किस्म के वहां के। तो अभी एक काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। सीधा मुंह में बोला, नहीं तो कांपती क्या है? मेरे तो दूर रहने मुंडे मेरे हांडे, बहुत दहशत वाला आदमी। हां ना, पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को? हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं है। आप भी बियर पीते हैं? आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैंने शराब कोई। आप पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। साला क्यों जिंदा रहते हो तुम? चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकर जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी हम बम फटते हैं। क्या करें? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पाँव रहते हैं। ओ भाई, हाथ में पाँव रहते हैं, पाँव तोड़ के हाथों में दे देते हैं। उदाहरण देता हूँ, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तुम्हारा एक भी आदमी नहीं था। ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ओ भाई, ये तो बंदा सिर्फ डायरेक्ट मुंह पे बोलता है बे। हाँ भाई, एक बात जो आखिर में आपने सोनिया गांधी का बात विरोध किया क्योंकि विदेशी हैं, ये हैं, तो अब लगता है आप थोड़ा उनको एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, मैं आपको कहूंगा सोनिया गांधी ऐसे कोई कंपेरिजन भी नहीं हो सकते शरद पवार सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी इम्पोर्टेड स्टफ है। इम्पोर्टेड स्टफ है, मार खाते रहेंगे। बम फटने के बाद हम के हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था। बहुत कमाल भाई। तो बाला साहब, अगर बाला साहब की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले काम? बांग्लादेशी को निकाल देंगे? मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में तो मैं निकाल देता। इतने सारे 2 करोड़ निकाल देते हैं? 2 करोड़ लोगों को निकाल देते तो क्या, किसका माल है ये? हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान से बाहर 3-4 करोड़ है। देखो उनका देश मिल गया, हमारा देश का दूसरा टुकड़ा है ये। उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम हिंदुस्तान में? हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे? हाँ अगर नहीं होना तो साथ होना, निकालना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल। ओ भाई, मतलब आतंकवादी को डर है और करना भी यही चाहिए जो अब हो रहा है। करना भी यही चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंद आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो। श्रीदेवी का नाम मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहे। मेरे 10 बरस के बाद आपको यह लड़का हुआ? हाँ, लड़का हुआ। ये कैसी बात है, कैसा हुआ? ऊपर वाले की मर्जी, मैं तो विचार तो ऊपर कौन रहते यार। ये पैंपरिंग जो चल रहा है इन लोगों का, वो हम नहीं,
यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं ना मानता। सुप्रीम कोर्ट मानता भाई, और ऐसे झगड़ते रहेंगे। सीधी बात कर, मैं भी कह सकता हूँ भाई, ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। सही बोला बंदे ने, बंदे ने बोला तो नहीं बोला तो यार इधर हुई है वीडियो खत्म। ओ भाई ये क्या बंदा यार, डरड बात मुंह पे करता, मुझे तो वो डर तो लगता ही नहीं ना, मुझे सीधी बात, मुझे तो भाई वो बात बड़ी कमाल है। कहता है अब बम फटेगा, हम ये तो नहीं दे के बोलेगा, हाँ जी फटाखा फटा, बहुत कमाल की आवाज आई है, हम ये तो अब नहीं बोलेंगे ना। बात ठीक है, और यार जाहिर सी बात जो इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पे बोला कि मतलब कोई बांग्लादेश पाकिस्तान, जाहिर सी बात है हमारा अपना कंट्री उनका अपना कंट्री है, लेकिन वर्क के सिलसिले में कोई जाते हैं वहां पर, मतलब कि जाहिर सी बात है इंडिया काफी ज्यादा ऊपर है तो वहां पर काम भी ज्यादा है तो वहां पर जाते हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने बोला बांग्लादेशी तो बहुत ही 2 करोड़ के पास है थे वहां पर, तो इन्होंने बोला कि मैं तो सबसे पहले इनको निकालूंगा। मतलब यार इसमें कोई शक नहीं, बांग्लादेशी हर जगह बहुत ज्यादा छाए, बोला कि ये तो पहले इंडिया के ऐसा थे, फिर अलग उनको देश दिया है, तो भाई अपना हमारे देश में हमारी समस्याएं बढ़ाने के लिए लगा रहे। और आतंकवादियों को जो इन्होंने बोला कि अगर भाई मैं बन जाऊंगा पीएम तो सबसे पहले तो मैंने इनको मारना, मतलब कि इन पे कोई मुकदमा चलने ही नहीं देना, बहुत डर और करना भी इनके साथ यही चाहिए, कोई छूट जाते हैं, कोई भाग जाते हैं, कोई क्या होता है, लेकिन ये काम सब बाबरी मस्जिद का वाक्य उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। वो बोलता मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मानता ही नहीं, ये कोर्ट मोड तो मैं मानता ही नहीं भाई यार, क्या ये जो चीज करते हैं अपने बालबोते पे करते हैं, ये किसी को बीच में नहीं लाते, ये इंडिया में तभी तो इनको मैं कहता हूँ इंडिया का किंग, क्या महाराष्ट्र का किंग है, इनको तो इंडिया का किंग भी बोला जाता है। और जैसे कहते सलमान आपको अंकल कहते हैं, वो उनका बाबा कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको मतलब के बड़े भाई कहते हैं वो कौन सी थी, श्री देवी का नाम लिया बस, वो मुझे अंकल बोले बस, वही ना भाई, बहुत कमाल यार। मतलब ये आई थिंक आरएसएस में है, आई थिंक जिस तरह से जो इन्होंने ऊपर वो पहना हुआ था ऑरेंज कलर का, तो वो मतलब शॉल सी थी, तो उससे लग रहा था आरएसएस में। यार ये आप लोग बताएं कि आरएसएस में है कि नहीं है, और इनका और क्या सीन्स है आप बता सकते हैं। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपने और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो बाय।